हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे बेबी केयर पार्ट 7 पर। आज की जो टॉपिक है हम जिस पर बात करेंगे, हेफाजिट टीके ज़रूरी क्यों होते हैं और हेफाजिट टीके कौन सी वैक्सीन हम यूज़ कौन सी कंडीशन में नहीं यूज़ करते और UVM का क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। अम्यूनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है लाइफ सेविंग का, जिससे क्या का किस किस को ये प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट आप योर फैमिली, कम्युनिटी एंड फ्यूचर, ये तीन चार चीज़ों को जो है ये हिफाजत करती है अपने अम्यूनाइजेशन, जिसका प्रोसीजर जिसके जरिए आपकी प्रोटेक्ट होती है। आपकी की प्रोटेक्शन होती है, आपकी फैमिली की होती है, कम्युनिटी की होती है और फ्यूचर आपका सेफ होता है, जिससे ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें कितने किस्म के आते हैं? दो टाइप्स की वैक्सीन, इसमें दो किस्म की टाइप की वैक्सीन आती है। एक वैक्सीन जो होती है एक्टिव होती है, दूसरी वैक्सीन पैसिव होता है। दो इसमें मेथड होते हैं, एक एक्टिव है पैसिव। एक्टिव जो होती है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, अब जब उसका एंटीजन होता है वो बॉडी में जब जाता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद एंटीजन बनाता है। जिस तरह बच्चा है, बच्चे का आपने इंजेक्शन लगाई, उसके बाद बॉडी में बच्चे की बॉडी में जाएगा, बॉडी का जो बच्चे का बॉडी रिस्पॉन्स है वो उसके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके 15 से 14 दिन के बाद ये वर्किंग कर स्टार्ट होता है इसका एक्टिव वैक्सीन का, जबकि पैसिव का दूसरी तरफ होता है इसका प्रोसेस। ये डायरेक्ट इसमें एंटीबायोटिक होते हैं, ये जब भी इमरजेंसी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तब हम डायरेक्ट उस कंडीशन में इसको लगाते हैं कि फौरन वो बॉडी वर्किंग करना शुरू करती है। उसमें एक्टिव में और पैसिव में ये दो फर्क है। एक्टिव में जो है एंटीजन होते हैं और पैसिव में एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन जाके बॉडी में वर्किंग करते हैं, फिर बॉडी रिस्पॉन्ड देता है तो एंटीबॉडी बनाता है। इसमें इसमें दोनों में ये फर्क। अभी हम बात करेंगे वैक्सीन वाल VVM क्या है और काम कैसे करते हैं। आप जितनी ये वैक्सीन देख रहे हैं इसमें दो कंडीशन के आप ये लेवल देख रहे हो, ये लेवलिंग होता है। एक थर्मामीटर, ये एक होता है जो हर वाल के ऊपर ये चिपका होता है। ये जो हमारे को जो है ये हमारे को उस वैक्सीन का बताता है, क्योंकि हर वैक्सीन के लिए इम्पोर्टेंट होता है टेम्परेचर। जबकि वैक्सीन जितनी भी वैक्सीन होती है उसको +2 से +8 तक नॉर्मल का टेम्परेचर होता है जो रखा जाता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन सेफ है, यूज करने के काबिल है या नहीं है, इसका टेम्परेचर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसीलिए ये जो आप देख रहे हो ये लेबल है फोन, अब ये है इसका अंदर वाइट कलर है और ये देखो ब्लैक है। जब भी टेम्परेचर आउट हो जाएगा तो ये कलर चेंज होता जाएगा, ये वाइट से ये सुर्खी लाल बन जाएगा और बिल्कुल ये इस कलर की तरह मैचिंग में आ जाएगा, ब्लैक बन जाएगा, जिससे ये कंडीशन में आप देख सकते हो। इस कंडीशन में कभी वैक्सीन यूज नहीं की जाती है। अमूमन जितनी वैक्सीन है सर के ऊपर कहीं ऊपर साइड में ये सब देख रहे हो, ये सब पे ऊपर लेबल लगल होता है और इसका काम होता है टेम्परेचर बताना। जब भी किसी वैक्सीन वायल का टेम्परेचर आउट होगा उसमें ये इसका कलर चेंज हो जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं वैक्सीन वायल मोनिटर। VVM का मतलब होता है वैक्सीन मॉनिटर। पहले एक्सपायरी वैक्सीन के 2 साल के बाद में हो, लेकिन अगर इसको टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा तो ये इसका कलर हट जाएगा, हटने के बाद इंडिकेट करेगा। अब जब भी बच्चा आपके घर पे कोई आपके जिस तरह पोलियो की वैक्सीन आती है आपके पास, जब भी आप देखेंगे उनका VVM देखेंगे, अगर VVM सही हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप किसी बच्चे को वैक्सीन कराने किसी सेंटर पे जा रहे हो, आप चेक करेंगे, अगर VVM सही होगा तो आप वैक्सीन करा सकते हो बच्चे को, अगर VVM सही नहीं है तो आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी वैक्सीन को, क्योंकि वो वैक्सीन आउट ऑफ टेम्परेचर होता है। और आपको ये नॉलेज हो तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका कितना रोल है, जिससे हमें पता चल जाएगा वैक्सीन काबिल है इस्तेमाल के या नहीं काबिल इस्तेमाल के, ये शो करता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे सिलिंजन। जब हम वैक्सीनेशन में आते हैं तो उसमें दौरान में कौन कौन से सिलिंजन डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पे आती है 5 ml की। जब मीजल्स की वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डाइल्यूशन जो होता है वो 5 ml का जो वाटर होता है उसके लिए मीजल्स की ये 5 ml की सिरिंज इस्तेमाल यूज की जाती है। जबकि जब हम BCG की वैक्सीन करते हैं रिपोर्टर फॉर्म में होती है, उसमें जो है 2 ml की 1 ml की सिरिंज होती है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं BCG के लिए।
वैसे जो रूटीन में जो हम ये वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 0.5 ml की सरिंज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन BCG की जब सरिंज यूज की जाती है उसकी 0.05 ml एक CC का 20वां हिस्सा नंबर आता है जो उसका डोज बनता है। और उसमें जो जो गैस की इस्तेमाल सरिंज की जाती है वो 26 गैस की यूज़ की जाती है, और जो हम डायलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो 18 गैस की होती है, 18 गैस की होती है जो ये डायलेशन के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें जो अपने मुफ्त वैक्सीन होती है मिक्स कितने 18 गेज वाले मिक्स की जाती है, 22 गेज वाली जो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन लगाई जाती है 22 गेज की लगाई, 26 जो होती है इंट्राडर्मल होती है ये स्पेशल BCG के लिए। अच्छा अभी हमने आप बताएंगे, हमने बता रहा था वैक्सीन है, वैक्सीन में देखो वैक्सीन के वैक्सीन में 3 किस्म के जरासीम होते हैं, जो एक प्रोसीजर बनाई जाती है वैक्सीन उसमें 3 किस्म है। एक वैक्सीन वो होती है जिसमें लाइव जरासीम होते हैं। अब लाइव जरासीम कौन कौन से वैक्सीन है, पोलियो में, BCG में, रूटावर में, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये जो वैक्सीन है सब में लाइव जरासीम होते हैं। और दूसरी जो वैक्सीन है इसमें अनएक्टिव, इसमें जिंदा होते हैं लेकिन वो एक्टिव इतना वर्क करना उसका जो होता है, लेकिन ये लाइव होते हैं जिंदा, और ये इनएक्टिव होते हैं जिसमें PCV वैक्सीन हो गई, IPV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेप वैक्सीन हो गया, TCV ये टाइफाइड को वैक्सीन को TCV कहते हैं, इन्हों में ये इनएक्टिव जरासीम होते हैं। और टॉक्सिन तीसरा कैटेगरी आता है टॉक्सिन, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये जो 3 बीमारियों के हैं जिसको DPT बोलते हैं, इसमें टॉक्सिन होता है, उसको टॉक्सिन को हटा के टॉक्साइड में वो हटा के टॉक्सिन में उसका कवर करके ये वैक्सीन जो इसमें जो जरासीम होते हैं और टॉक्सिन साइड में होते हैं, जिसको एक प्रोसीजर होता है जिस तरह वैक्सीन को बनाया जाता है उसे कुछ में जरासीम जिंदा होते हैं, किसमें लाइव होते हैं, कि उनको टॉक्सिन को निकाल के, क्योंकि वो बॉडी में जाके उस बॉडी में नुकसान नहीं देंगे, इसीलिए जो नुकसान वाला पार्ट होता है वो निकाल दिया गया होता है इसमें टॉक्सिन वाले, और उसमें लाइव जरासीम होते हैं, इसीलिए इसमें ये मुख्य कैटेगरी 3 कैटेगरी की वैक्सीन आती है। अब जिसमें मैं आगे एक बात करूँगा पेंटा की, पेंटा में जो वैक्सीन होती है अब जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस और 3 ये 5 वैक्सीन है जो पेंटा में होती हैं, हेपेटाइटिस बी और हेप वैक्सीन, हेमोइन्फ्लुएंजा टाइप बी की और DPT डिफ्थेरिया पर्ट्यूसिस, 5 वैक्सीन जो होते हैं पेंटा में होते हैं, जो हम शेड्यूल पे बात करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। वैक्सीन शेड्यूल का हम जो हमारे गवर्नमेंट में जो शेड्यूल होता है और प्राइवेट में होते हैं उसमें क्या फ़र्क होते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। सबसे एट ऑफ बर्थ जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 81 वैक्सीन लगाई जाती है, एक BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी होती है जो एट ऑफ बर्थ बच्चे को लगाई जाती है। डोज मैंने बता दिया उसको, अब इसमें ये देखे डोज है 0.05 ml जो है BCG का डोज है, जो है कब कहाँ लगाई जाती है इंट्राडर्मल लगती है, खाल और जिल्द के ऊपर जो अपर हिस्सा जो डर्मेंस होता है उसमें ऊपर सबसे ऊपर नीचे और कहाँ उसके बीच में लगाई जाती है इसको इंट्राडर्मल कहा जाता है। और OPV जो होती है इसको ओरल पिलाई जाती है 2 साल पिलाई जाते हैं, हेपेटाइटिस बी जो है इसका अलग 1.5 ml हाफ CC का डोज आता है जो इंट्रावेनस को लगाई जाती है, ये एट ऑफ बर्थ बच्चे को लगाई जाती है। उसके बाद 6 वीक्स मीन्स डेढ़ माह का जो बच्चा आता है उसको सेकंड विजिट जो होता है डेढ़ माह में होता है, जिसमें हम OPV का फर्स्ट डोज होता है जब पैदाइश जब लगाते हैं उसको 0 काउंट करते हैं, जब फर्स्ट जब 1.5 महीने के बाद बच्चा आएगा तो उसको हम फर्स्ट टीका OPV का लगाएंगे, और दूसरा आता है रोटावायरस और तीसरा पेंटा की मैं बताया, पेंटा में 5 वैक्सीन होते हैं DPT और हेपेटाइटिस बी और साथ में इसके HP हिप वैक्सीन जो है वो भी इसमें मिस होती है, 5 होती है और PCV, ये टोटल 6 महीने का 1.5 महीने के बाद 6 वीक्स के बाद लगाते हैं। OPV के जो है 2 कतरे पिलाए जाते हैं, इसका ये जो रोटावायरस का सिंगल डोज में आता है एक ही वो पे पिला दिया जाता है, और इसका 0.5 का डोज होता है बच्चे का पेंटा का, और PCV का 0.5 इसका भी हाफ CC दिया 0.5 हाफ CC को बोला जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है डोज को। फिर उसके बाद आता है थर्ड विजिट का मतलब होता है जब 10 हफ्ते 10 हफ्ते मीन्स आपने 1.5 माह के बाद पहला लगाया आपने 1.5 महीने के बाद, फिर 1 महीने में 2.5 महीने के बाद 10 वीक्स उसमें सेकंड डोज OPV का होगा, रूटा का सेपा होगा, पेंटा का, MPCV का सेकंड डोज होगा, सेमीनो का डोज आएगा लेकिन इनका सेकंड डोज लगा। और उसके बाद आता है फोर्थ डोज जो ये आपका आएगा 14 वीक्स के बाद, एक पहला डोज लगा उसके बाद 1.5 महीने का, फिर 2.5 महीने को 3.5 महीने के बाद, फिर इसमें जब 3.5 महीने का डोज आएगा उसमें OPV का थर्ड डोज लगेगा, और उसमें
रूटा के सिर्फ दो डोज होते हैं, उसकी जगह पे आईपीवी का फर्स्ट डोज लगेगा जो इंजेक्शन फॉर्म में होता है, ओपीवी जो है ड्राफ्ट फॉर्म में होता है वो रियस में आता है जो लगाया जाता है, और पेंटा का थर्ड डोज और तीन डोज होते हैं पेंटा के जो 1.5 महीने में, 2.5 महीने और 3.5 महीने में लगाया जाता है, और पीसीवी के भी तीन ही डोज होते हैं 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3 महीने में लगाया जाता है, इनका डोज सेम ही होता है, जो इंट्रामस्कुलर और लगाया जाता है, ये जो है हम लगाए जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे को टीके लगते हैं 9 महीने के बाद लगाया जाता है, जिसको हम MR बोलते हैं, जो गवर्नमेंट में अभी MR लग रही है और IPV लग रही है और टाइफाइड का लग रहा है वैक्सीन, ये जो है इनका डोज 0.5 है, हाफ हाफ CC होता है, जबकि MR है सबकॉन्टिन्यूस लगती है, और IPV और अब टाइफाइड ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है डोज। और उसके बाद 15 महीने में है MR का सेकंड डोज होता है, जिसको हम बूस्टर डोज लगाते हैं, वो भी लगाया जाता है, आप सबकॉन्टिन्यूस लगाई जाती है, ये जो है गवर्नमेंट में जो है लगाया जाता है। हाँ, तो प्राइवेट में जैसे MR है, प्राइवेट में मीजल्स मम्स रुबेला तीन के साथ होते हैं, MMR की जगह पे मीजल्स मम्स रुबेला होते हैं, वो 9 महीने 15 महीने में उनके दो डोज लगा सकते हैं, अब वो जो प्राइवेट में लगाए जाते हैं। टाइफाइड का भी बूस्टर डोज लग सकता है, क्योंकि टाइफाइड अक्सर ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उनको भी सेकंड डोज का होता है, लेकिन गवर्नमेंट में सिंगल डोज लगता है। अभी हम बात करेंगे BCG, BCG वैक्सीन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ये BCG वैक्सीन जो है किसके लिए लगाई जाती है, ट्यूबरक्लोसिस जो TB के लिए, ये BCG जो वैक्सीन जो है TB के लिए लगाई जाती है। कब लगाई जाती थी, एट बर्थ जो हमने बता दिया, ये किस बीमारी के लिए, TB के बचाव की मदद पे करता है, ठीक है। TB का मर्ज जो मर्ज है कहाँ फैलता है, फेफड़ों में को नुकसान देता है, लंग्स को, ये फेफड़े जो हैं उनको नुकसान देता है, लेकिन हम उम्र ज़्यादातर लंग्स की ज़्यादा TB होती है, इसकी TB सेकंड बोन की TB होती है, लेकिन ज़्यादा लंग्स के पेशेंट ज़्यादा क्या केस होते हैं, इसलिए लंग्स को ज़्यादा नुकसान देती है। ये जो है जरासीम बैक्टीरियल है, लेकिन लाइव होता है, इसका डोज हमने बता दिया है, इंट्राडर्मल लगाई जाती है, ये आप सिरिंज देख करते हैं, ये इसका वायल है और ये इसका वाटर है, ये वाटर जो है 1 CC वाटर डालते हैं, जिसमें 20 डोज बनते हैं एक वायल में, 0.05 ml लगाई जाती है, 20 वी का चौथा हिस्सा जो है बच्चे को लगाए, किस कंडीशन में लगाई जाती है आप ये देख सकते हैं, जब इसका लगाते हैं स्किन खाल के बीच में लगाए थे, इस तरफ ये निशान लगाते वक्त निशान बनता है। अब इसका प्रोसीजर जो है कितने दिन में निशान बनता है आप इसमें चल देखिए, ये 4 दिन का होता है तो इस तरफ बन जाता है, 7 दिन का होता है तो इस तरफ स्कार बनता है, 14 दिन का होता है तो इस तरफ बनता है, और 21 दिन में पूरा ये स्कार का ये जख्म टाइप बन जाता है, और जितना ये निशान ये बनता है उसमें उसका ये मतलब होता है कि वैक्सीन काम कर रही है, जब ये निशान ना बने तो समझो वैक्सीन काम नहीं कर रही, और आखिरी में निशान इस तरफ बन जाता है। अगर 3 महीने तक देखते हैं बच्चे को ये निशान नहीं बनता तो दोबारा लग सकती है वैक्सीन, क्यों उन्हें निशान बना उसमें लगाने वाले की भी गलती हो सकती है, और ये भी गलती हो सकती है कि वैक्सीन का जो कोल्टेन नहीं था, वैक्सीन सही नहीं थी, उसने काम नहीं किया, उसकी वजह से भी ये निशान नहीं बनता, तो 3 महीने तक कंफर्म करके अगर निशान नहीं बनता तो दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। अभी अगली वैक्सीन हम बात करेंगे OPV की। OPV क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, जो इसका लाइज जरा से मिलते हैं, ये क्या करते हैं, OPV किससे बचाव करता है, ये पोलियो के मर्ज से हम बचाव करता है, ये किसको नुकसान पहुंचाता है, दिमाग के नसों को कमजोर करता है जिससे माजूरी हो सकती है। ये जो OPV का जरासीम है ये ज़्यादा जो है हम जो आजकल जो चल रहा है OPV का वैक्सीन का प्रॉब्लम, तो इसीलिए ये उसको बचाव के लिए OPV भी होता है और IPV भी इंजेक्शन लगाता है। IPV इंजेक्शन का हमने दो डोज बताए थे और इसके ये जो है ये साथ में इसके पिलाते हैं ये, तो इसीलिए पोलियो की बीमारी के बचाव के लिए ये वैक्सीन का। पहली बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये क्या करती है, ये जिगर का मर्ज से बचाव के लिए लगाई जाती है, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, ये इनएक्टिव वैक्सीन एंटीजन होता है, ये अवायल होता है इसका, ये अब ये इसमें ये भी सिंगल डोज में आता है, जो एक डोज में बच्चे को ये लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी क्या होती है, ये जब जिगर है जो लीवर है उसको इन्फेक्टेड से बचाने के लिए बी के मुख्तलिफ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बीमारी होती है, ए बी मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की है जो गवर्नमेंट ने
इशू होती है जो लगाई जाती है। उसके बाद आते हैं हम रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या है? ये रोटा वायरस जो है इसमें जो है एक लाइव है। ये टाइप क्या है? ये वायरस है, ये लाइव होता है। इसमें इसका क्या करता है, रोटा वायरस जो है अक्सर ज़्यादा नुकसान जो है बच्चों को देता है, जिसमें क्या होते हैं बच्चों में मोशन बन जाते हैं। साल से माफ को रखने के लिए बच्चों को मोशन ना हो, उसके लिए हम रोटा वायरस से वैक्सीन की जाती है बच्चों को। तो इसीलिए ये रोटा वायरस का काम वैक्सीन बचाना, मोशन से बचाव के लिए बच्चे के लिए लगाया जाता है। इसके दो डोज होते हैं। अब उसके बाद आगे पीसीजी, इसकी जो लगाए जाते हैं दो डोज लगाए जाते हैं जो बच्चे को, एक 1.5 महीने के बाद और दूसरा डोज 2.5 महीने के बाद, जो ओरल कतरे होता है में होता है जो कराया जाता है। अब हम पीसीवी वैक्सीन के बाद बात करेंगे, पीसीवी क्या है। ठीक है, पीसीवी के टीका हम क्यों लगाते हैं, किससे मदद करता है, ये नमूनिया से बचाव के लिए हम लगाते हैं। नमूनिया क्या होता है, जो बच्चों के लंग्स में जो इन्फेक्टेड होते हैं उसको नमूनिया बोलते हैं, जिससे ये हम बचाव के लिए टीका लगाते हैं। इसमें जिसमें क्या होता है, बच्चों में सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके लिए हम बचाव के लिए पीसीवी का जो है वैक्सीन लगाई जाती है। ये किसकी बचाव करती है, ये नमूनिया से बचाव करती है। नमूनिया कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, जो बच्चों को नुकसान पहुँचाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो। ये टाइप इनएक्टिव बैक्टीरियल। अभी हम बात करेंगे आईपीपी। आईपीपी जो है ये हमने पहले बात की थी ओपीवी, ओपीवी ड्रॉप्स में था, ये आईपीवी वैक्सीन इंजेक्शन में इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होती है। यह हर किस्म के मर्ज को बचा सकती है। इसमें यह होता है कि ये अपना इनएक्टिव होता है, जो ये इन्वायरमेंट माहौल उनमें के नुकसान नहीं देता किसी को, जबकि पोलियो के खतरे से ये खतरा हो सकता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि लाइव जरासीम होते हैं, इन्वायरमेंट को ज़्यादा खतरा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेफ होती है। आगे हम बात करेंगे पेंटावेलेंट जो वैक्सीन क्या है भाई। पेंटावेलेंट में आता है ये पांच वैक्सीन। पेंटा का मतलब होता है पांच वैलेंट, जिसमें पांच डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप वैक्सीन। टेटनस की हमने बात की थी, जो माँ को जब हिफाजत के लिए टीके लगाते हैं कि वो टेटनस के वो बात है, जिससे वो पर्टुसिस और डिप्थेरिया, ये मुख्तलिफ हैं जो पाँच वैक्सीन है। इसका भी डोज एक ही होता है, जो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। पेंटावेलेंट के बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन सी बीमारी के लिए लगाता है, जुकाम हो गया, काली खांसी हो गई, और खनाक हो गया, तशनत और हेपेटाइटिस बी और इसके शामिल हैं। इस वैक्सीन के खिलाफ ये हम वैक्सीन लगाई जाती है। जब भी ये वैक्सीन लगती है बच्चे को 3-4 दिन बुखार होता है, और बच्चे की जिस जगह पे लगाई जाती है उस तरफ से सोलिंग हो जाती है, उस सोलिंग में ब्लड की सिकाई करनी चाहिए, और 3-4 दिन बच्चे को पैंडोल कालपोल कोई भी सिरप हो बुखार के लिए देनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन बच्चे को बुखार होता है और वो जहाँ टीका लगे उस वक्त बर्फ की सिकाई भी इसको करनी लाजमी। आगे बात करेंगे हम टीसीवी। टीसीवी क्या है, टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है वो टीसीवी होती है। इसका डोज 0.5 लगाया जाता है। और टीसीवी जो का टीका किस लिए लगाया जाता है, ये बच्चे का जो है अपने बचाव के लिए करता है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, बुखार होता है, जिसमें टाइफाइड बुखार होता है बच्चे को, उसकी हिफाजत करता है। किस सूरत में लगाया जाता है, में तेज़ बुखार होता है और इलाज ना होने करने की वजह से बच्चे की मौत हो सकती है ये टाइफाइड, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वो जब चलने के होते हैं और हर चीज़ मुंह में डालने की नहीं होती, कोई भी चीज़ गिर जाती है वो ऊपर मुँह से डाल देते हैं, जिससे ज़्यादा खतरा बच्चों को टाइफाइड होने का होता है। इसलिए बचाव के लिए हम ये टाइफाइड डोज कब लगाया जाता है, 9 महीने में जो है फर्स्ट डोज इसको 9 महीने में लगाया जाता है, जिससे बच्चे को हिफाजत के लिए उस टाइफाइड जरासीम, क्योंकि टाइफाइड का जरासीम जो है ज़्यादा जो है गंदगी में पाया जाता है, उसे मक्खी मच्छर के जरिए किसी खाने में बैठता है इसे, तो वो टाइफाइड का होता है। इसलिए उसको बचाव के लिए हम जो है ये वैक्सीन करते हैं, जो बच्ची का इम्यूनिटी के लिए। अभी आएंगे हम MMR वैक्सीन पर। MR का मतलब होता है मीजल्स, R का मतलब होता है रुबेला। ये गवर्नमेंट में जो होती है MR वैक्सीन होती है, या प्राइवेट में होती है मीजल्स, मम्स, रुबेला होती है, जो है प्राइवेट लगाई जाती है। ये 9 महीने और 15 महीने में इनको दो डोज लगाए जाते हैं। 9 महीने और 15 महीने में बूस्टर डोज लगाया जाता है इनका। ये इसका डोज सेम ही होते हैं, लेकिन इससे अब कंटिन्यूस लगाया जाता है। मीजल्स का टीका हम खसरे के बचाव के लिए लगाया जाता है, जो इंजेक्शन और जो बच्चे के जो है अक्सर
उनको हिफाजत के लिए लगाई जाती है। वैक्सीन ये कब कब लगाई जाती है? जब बच्चे, जैसे देखे, जब हम बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो उसमें इम्यून सिस्टम में जो पोषण दूध जिस बच्चे ने पिया होता है तो उसमें उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, इसीलिए 9 महीने में ये इसको लगाया। पहले क्यों नहीं लगाए जाते? क्योंकि उस दौरान उस बच्चे को इम्यून सिस्टम में उसकी इम्यूनिटी इतनी मिल चुकी होती है कि 9 महीने के बाद इस बच्चे को टीके की जरूरत पड़ती है कि बूस्ट करने के लिए, इसीलिए 9 महीने का इसका पीरियड दिया गया है। इसीलिए मैंने बोला था ब्रेस्ट फीडिंग के बड़े बेनिफिट होते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे समरी पे। ये समरी है, इसमें कंप्लीट जो सारी वैक्सीन के नाम लिखे हुए हैं वो लाइव हैं, वेक्टर हैं उसके हैं, और किस मालूमात में सारी एक ही पेज पे है, आसानी से आप रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगली जो हमारी टॉपिक होगी बेबी फेज की, सीज की, पार्ट 1 से 7 की पूरी हम समरी बनाएंगे, जिसमें पूरी डिटेल होगी 1 से 7 की पूरी समरी में होगी, जो इसमें बेबी सेवर के फिर इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट जो पार्ट आएगा बेबी सीरीज का आएगा, जिसमें 1 से 7 तक समरी होगी।